यह दोस्तों इंग्लिश गुलाब के पौधे की कटिंग। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे इंग्लिश गुलाब के पौधे की कटिंग आप घर पर आसानी से कैसे लगा सकते हैं। पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, तो हमारी आज की ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप न करते हुए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कटिंग को लगाने से पहले आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं, कटर, चाकू या फिर दूसरा कोई भी, आप उस टूल को अच्छे से साफ कर लें हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डिटोल से, सेवलॉन से। साफ कर लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आपके टूल पर कोई फंगस के बैक्टीरिया होंगे तो आपकी जो कटिंग है वो सड़कर खराब हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम इस टूल को स्प्रेड से अच्छे से साफ कर लेते हैं। गुलाब के पौधे की कटिंग को लगाने का सही समय होता है फरवरी के स्टार्ट से लास्ट अप्रैल तक। ये मौसम गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही सही मौसम होता है, फ्लावरिंग के लिए भी और कटिंग को ग्रो करने के लिए भी। इसके अलावा अगर आप पूरे साल कभी भी गुलाब के पौधे की कटिंग को ग्रो करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको ग्रो करना। अब हमने स्प्रीड से अच्छे से कटर को साफ कर लिया है, अब बारी आती है कटिंग के साइज की। गुलाब के पौधे की कटिंग का जो साइज है वो 6 इंच से 10 इंच तक का होना चाहिए। अगर आप 10 इंच से ज़्यादा लंबी कटिंग लेते हैं या फिर 6 इंच से छोटी कटिंग लेते हैं तो आपके कटिंग के खराब होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको गुलाब के पौधे की कटिंग लगभग 10 या फिर 6 इंच लानी है। हम यहाँ पर 10 इंच की कटिंग को काट लेते हैं। गुलाब के पौधे की कटिंग को लगाते समय आपको यहाँ पर एक बात का और ये ध्यान रखना होगा, आपके गुलाब के पौधे की कटिंग पर जो साइड ब्रांचेस हैं या फिर पत्तियाँ हैं आप उन सभी पत्तियों और ब्रांचेस को काट दें। हमने यहाँ पर 3 कटिंग ले रखी हैं। अब चलिए बात करते हैं कटिंग को ग्रो करने के लिए कैसा सॉइल मीडिया चाहिए। गुलाब के पौधे की कटिंग को ग्रो करने के लिए हम यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सिर्फ कोकोपीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोकोपीट में हमने वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कोकोपीट का ही इस्तेमाल करेंगे। गुलाब के पौधे की कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 6 इंच गहरा पोर्ट चाहिए होगा। हमारे पास कुछ बड़ा पोर्ट है तो हम बड़े पोर्ट में गुलाब के पौधे की कटिंग को लगाएंगे। इसके अलावा जो भी पोर्ट आप यूज कर रहे हैं उसके बॉटम में एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल बना लें जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे। अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल नहीं होगा तो पानी रुकेगा, पानी रुकने की वजह से आपकी कटिंग सड़कर खराब हो जाएगी। कोकोपीट को हमने इस गमले में भर दिया है। इस गमले में कोकोपीट को भरने के बाद में आप कटिंग को लगा लेते हैं, लेकिन कोकोपीट को आपको थोड़ा दबा करके भरना होगा क्योंकि कोकोपीट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट सॉइल मीडिया होता है। अगर हम सॉफ्ट में कटिंग को लगाएंगे तो हमारी कटिंग ढीली रहेगी। चलिए अब हम कटिंग पर एलोवेरा का जेल लगा लेते हैं। एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है, इसके अलावा ये फंगीसाइड का भी काम करता है। गुलाब के पौधे की कटिंग का जो हिस्सा सॉइल मीडिया में रहेगा और जो हिस्सा सॉइल मीडिया से बाहर रहेगा, दोनों हिस्सों पर आपको जेल लगाना होगा क्योंकि फंगस जो है दोनों कट वाले एरिया से अंदर पहुंचता है। इसलिए आपको अच्छे से जेल को लगाने के बाद में इस तरीके से कटिंग को लगाना होगा। कटिंग को आप कम से कम 2 से 3 इंच गहरा सॉइल मीडिया में लगाएं। चलिए अब हमने एक कटिंग लगा ली है, दूसरी कटिंग के भी दोनों हिस्सों पर एलोवेरा का जेल लगा करके कटिंग को लगा लेते हैं। कटिंग को एलोवेरा जेल लगाने के बाद में अच्छे से लगाने के बाद में अब हम पानी देंगे। कटिंग को लगाने के बाद में पहली बार अच्छे से पानी देना चाहिए जिससे कि कटिंग अच्छे से स्टैंड रहे और कटिंग को बार बार पानी ना देना पड़े। अगर आप कटिंग को बार बार पानी देते हैं तब भी आपकी कटिंग खराब हो जाती है। इस कटिंग को पानी देने के बाद में अब हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पर सुबह की धूप मिलती हो या फिर शाम की धूप मिलती हो। हमें इस कटिंग को डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना है। इंग्लिश गुलाब के पौधे की कटिंग को लगाए हुए दोस्तों पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। हमारी दोनों कटिंग अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी है, नई नई पत्तियां इन पर बन चुकी हैं। आने वाले समय में जैसे ही इनकी ग्रोथ और बढ़ेगी हम दूसरी वीडियो में पूरी अपडेट के साथ आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारी इन कटिंग की ग्रोथ बढ़ी और इन पर कब तक फूल आ गए। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।